हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी से, सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सबको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और इस चैनल को, इस क्लास को और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि इस क्लास से और भी लोग जुड़ें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें इनमें से किसने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली नामक पुस्तक लिखी? गुडे, कूपर, माइकल एंडरसन, रोनाल्ड फ्लेचर। राइट आंसर बताइए। किसने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, विलियम गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? पद, सोपान, व्यक्तित्व, परिस्थिति, मानदंड। राइट आंसर बताइए। कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने विचारधारा के नैदानिक विवादों को रुचि सिद्धांत और तनाव सिद्धांत में विभाजित किया? लेवी स्ट्रॉस, क्लिफोर्ड गिट्स, कार्ल मैनहिम, अल्फ्रेड सूड। राइट आंसर बताइए। किस विचारक ने विचारधारा के नैदानिक विवादों को रुचि सिद्धांत और तनाव सिद्धांत में विभाजित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्ल मैनहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की परिवर्तन योग अवधारणा से कौन जुड़ा है? टैलकॉट, पार्सन्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पेरेटो, जी मोस्का। राइट आंसर बताइए। सत्ता की परिवर्तन योग अवधारणा से किसका नाम जुड़ा है? यह अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, टैलकॉट पार्सन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने अलगाव के अपने विचार को किससे ग्रहण किया था? हीगल, फ्यूवरबाख, हीगल, फ्यूवरबाख, हीगल, लुकास। राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने जो अलगाव का सिद्धांत दिया था उसे इन्होंने किससे प्रेरित होकर दिया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, हीगल और फ्यूवरबाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से किस समाज की विशेषता स्वामी और दास है? आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार किस समाज की विशेषता स्वामी और दास हैं? राइट आंसर है इसमें प्राचीन समाज, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि आधुनिकीकरण समाज के पारस्परिक से आधुनिक में संक्रमण को संदर्भित करता है? मेलविन, ट्यूमिन, मूरे, लर्नर, मार्टिन। किसने कहा कि आधुनिकीकरण समाज के पारंपरिक से आधुनिक में संक्रमण को संदर्भित करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आदिवासीवाद मानव समाज का एक पूर्ण सभ्य भंडार है? हेनरी मैन, दुर्खीम, ओपेनहाइमर, स्पेंसर।
आदिवासीवाद मानव समाज का एक पूर्ण सभ्य भंडार है, ये कथन है हेनरी मैन का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर कार्यों की खोज में तर्क संगत रूप से संबंधित और गैर बराबर का समाज कहा जाता है, नौकरशाही, संगठन, संस्थान, कुलीन तंत्र। बड़े पैमाने पर कार्यों की खोज में तर्क संगत रूप से संबंधित और गैर बराबर का समाज। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, 48%, 50%, 54%, 64%। राइट आंसर बताइए। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करते, वह दूसरे व्यक्ति की केवल सहायता करता है, वह अपराध का दोषी है। सामान्य आशय, दुष्प्रेरण, सामान्य उद्देश्य, आपराधिक षड्यंत्र। कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करते, वह दूसरे व्यक्ति की केवल सहायता करता है, वह अपराध का दोषी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, दुष्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बुक जीएस घुरिए की नहीं है, महादेव कोलिस, इंडियन साधुज, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल टेंशन इन इंडिया। राइट आंसर बताइए, कौन सी बुक जीएस घुरिए की नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक जीएस घुरिए की नहीं है, महादेव कोलिस ये है, इंडियन साधुज है, सोशल टेंशन इन इंडिया है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये बुक है मजूमदार एंड मदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर क्या होगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता परिणाम है वैयक्तिक विघटन का, पारिवारिक विघटन का, सामाजिक विघटन का, इनमें से सभी। सांप्रदायिकता किसका परिणाम है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सामाजिक विघटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। भारत में
बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र में तनाव सिद्धांत की अवधारणा से कौन संबंधित है? ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, स्ट्रॉस। अपराध शास्त्र में तनाव सिद्धांत की अवधारणा से कौन संबंधित है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 राइट आंसर है रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक पौराणिक कथा संरचनात्मक विश्लेषण की अवधारणा से जुड़ा है? मैलनोवस्की, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन। कौन सा मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर होगा कौन सा मानवविज्ञानी, कौन सा मानवविज्ञानी पौराणिक कथा संरचनात्मक विश्लेषण की अवधारणा से जुड़ा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक भूमिकाओं की अवधारणा में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, स्ट्रॉस। सामाजिक भूमिकाओं की अवधारणा में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है टैलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानवविज्ञानी ने मानव समाज में प्रतीकों संकेतों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया? ब्राउन, स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स। किस मानवविज्ञानी ने मानव समाज में प्रतीकों संकेतों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन 2 राइट आंसर है लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटोमक समाजों की सामाजिक संरचना पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध है? ब्राउन, मैलनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन। राइट आंसर बताइए। टोटोमक समाजों की सामाजिक संरचना पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक रिश्तेदारी चार्ट की अवधारणा के लिए जाना जाता है? ब्राउन, मैलनोवस्की, पार्सन्स, स्ट्रॉस। कौन सा मानवविज्ञानी रिश्तेदारी चार्ट की अवधारणा के लिए जाना जाता है? ब्राउन, मैलनोवस्की, पार्सन्स, स्ट्रॉस। ऑप्शन 2 राइट आंसर है मैलनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के बारे में यह कथन किसका है? राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है। श्रीनिवास, लुईस ड्यूमा, मैकिम मैरियट, पी कोलेंडा। भारतीय समाज के बारे में ये कथन किसका है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणा और साधनों का प्रयोग किया?
मजूमदार श्रीनिवास विक्टर डिसूजा एस सी दुबे। राइट आंसर बताइए। किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकी अवधारणा और साधनों का प्रयोग किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? जीन पियाजे, बर्नस्टीन, मीट, तुर्कीम। कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है बर्नस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक प्रयोग करता है के रूप में की है? हॉब हाउस, हेनरी मैन, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक एंजेल्स। किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक प्रयोग करता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह कहा है कि बहुपद प्रथा एक नृजातीय वर्णन की जिज्ञासा है? मर्डॉक, लिपले, गुडे, ऑकबर्न। राइट आंसर बताइए। बहुपद प्रथा एक नृजातीय वर्णन की जिज्ञासा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीन व्यापक प्रकार की पूंजी की पहचान की? फूको, गिडेन, बोर्ड्यू, मार्टिन। किसने तीन व्यापक प्रकार की पूंजी की बात की है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है पियरे बोर्ड्यू ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, और इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इन तीन पूंजी की बात की है। सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम व्यक्ति सामग्री का प्रयोग किया? हीगल, लिपले, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे। राइट आंसर बताइए। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम व्यक्ति सामग्री का प्रयोग किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया था? इमाइल दुर्खीम, ब्राउन, मर्टन, बोटोमोर। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, हीगल, एंजेल्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है?
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? ब्राउन, मिल्स, दुर्खिम, जिन्सबर्ग। किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सी डब्ल्यू मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति को अनुस्तरित असमानता प्रणाली के रूप में किसने देखा? श्रीनिवास, चार्ल्स कूले, हार्डीमैन, बी आर अम्बेडकर। जाति को अनुस्तरित असमानता प्रणाली के रूप में किसने देखा? ऑप्शन फोर राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के कार्रवाई सिद्धांत के निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है? अनुकूलन, अर्थव्यवस्था, लक्ष्य प्राप्त, एजुकेशन, एकीकरण, कानून, प्रारूप, रख रखाव, प्रकृति। कौन इसमें गलत है? पार्सन्स के कार्रवाई सिद्धांत के निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है? अनुकूलन, अर्थव्यवस्था, ये सही है। लक्ष्य प्राप्त, एजुकेशन, ये सही है। एकीकरण, कानून, ये सही है। प्रारूप, रख रखाव, ये ऑप्शन गलत है। प्रारूप रख रखाव में प्रकृति के स्थान पर इन्होंने फैमिली और नातेदारी को रखा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिए किसने सरल जटिल शब्दों का प्रयोग किया? एन के बोस, घुरिए, सुरजीत सिन्हा, लुइस ड्यूमा। भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिए किसने सरल जटिल शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एन के बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांव में समाजशास्त्रीय ढंग से जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया? आश्कर लेविस, एसी मेयर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ओवन लिंच। भारतीय गांव में समाजशास्त्रीय ढंग से जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है आश्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानव अध्ययन का संबंध व्यक्तित्व संस्कृत के प्रकारों के निर्माण से होना चाहिए? वेबर, दिल्थे, स्वांडर्स, रिकर्ट। मानव अध्ययन का संबंध व्यक्तित्व संस्कृत के प्रकारों के निर्माण से होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है डब्ल्यू दिल्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्ययवाद व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बीच अंतर किसने समझाया था? कॉम्ट, मिल्स, गिडिंग्स, गोल्डनर। प्रत्ययवाद व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बीच अंतर किसने समझाया था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिघटनाविद के अनुसार परिघटना का अध्ययन किया जा सकता है व्यवहारिक ढंग से, वस्तुपरक ढंग से, काल्पनिक रूप से, गहनता से। राइट आंसर बताइए। परिघटनाविद के अनुसार परिघटना का अध्ययन किया जा सकता है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है व्यवहारिक ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड अ वर्कर रिस्पॉन्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? केसी अग्रवाल, ए के बागची, बनर्जी, एन के सिंह।
न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर रिस्पॉन्स, ये बुक लिखी है ए के बागची ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने कहा कि फैक्ट्री आधारित उत्पादन के माध्यम से श्रमिक आंदोलन का विकास श्रमिक वर्ग में बदल जाएगा। अपने आप में एक वर्ग, अपने लिए एक वर्ग, एक शासक वर्ग, सर्वहारा वर्ग। राइट आंसर बताइए। मार्क्स ने कहा कि फैक्ट्री आधारित उत्पादन के माध्यम से श्रमिक आंदोलन का विकास श्रमिक वर्ग में बदल जाएगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अपने लिए एक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे इस रूप में वर्णित किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्व ग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। पारिस्थितिकीय, घटना क्रिया विज्ञान, नाट्यशास्त्र, नृजातीय पद्धति शास्त्र। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, किसे हम इस रूप में वर्णित कर सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो उसके व्यक्त और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्व ग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, घटना क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की गई है। धारा 15, धारा 20, धारा 7, धारा 5। राइट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संदर्भ के प्रभावों को समझना आवश्यक है। जीएच मीट, फ्रायड, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। राइट आंसर बताइए। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संदर्भ के प्रभावों को समझना आवश्यक है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। राइट आंसर बताइए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है। 5 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 100 से 200 के बीच, 0 से 1 के बीच। राइट आंसर बताइए। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 0 से 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। 126, 128, 130, 144। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, 126।
तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।